तो संत तलवार जी हमारे गीतांजलि के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनके संस्थापना दिवस 1995 से जुड़ी हुई हैं और ये भारत के रहने वाली हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएड किया। उसके बाद ये आई यहाँ बर्मिंघम में, जब इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है। बहुआयामी व्यक्तित्व की मालकिन है, शिक्षिका, कवित्री, साहित्यकार, गायिका। और जब ये हिंदुस्तान में थी तो आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी और यहाँ भी आने के बाद नियमित रूप से ये गीतांजलि से जुड़ी हुई हैं। कई बार इन्होंने गीतांजलि का संचालन भी किया है कई प्रोग्राम्स में। और इनकी एक और विशेषता क्या है कि गीतांजलि जो यंग क्रिएटिव राइटर है उनकी ये संचालिका है और 9 साल से बच्चों को, मैं आप समझिए कि 3 वर्ष के बच्चों से लेकर 18 वर्ष के बच्चों तक को सबको ये इंकरेज करती है। उनका प्रोग्राम हर साल होता है। इंडियन लेडीज क्लब के भी 30 सालों से ये सदस्य हैं और इसके अध्यक्षा भी रही हैं। और इनके प्रकाशन में 1-2 कविताएं संग्रह आया है, कविता तुम कौन हो, और 3 काव्य संग्रह भी इनके प्रकाशित हुई है। मैं चाहूंगा कि सोन जी आए, जहाँ तक मुझे पता है कि ये दीपावली या किसी एक विषय पर ये अपनी कविता रखेगी। सोन जी स्वागत है आपका। तो मैं बता दूं स्वयं जी को कि उनको सुनने के लिए और भी लोग जुड़ चुके हैं। अभी फेसबुक पे मैं देख रहा हूं कि अंजना जी बर्लिन से जुड़ चुकी हैं, सुधा चंदन जी इंडिया से जुड़ चुकी हैं, उमा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। तो आपके लिए सुनने के लिए और भी लोग आ रहे हैं। तो और 25 लोग तो यहाँ, 35 लोग तो खाली यहाँ पे है और फेसबुक पे भी काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो की अपना कमेंट लिख रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है माहौल। बिल्कुल स्वागत है स्वयं जी। सबसे पहले मेरा मंच को नमस्कार और देश विदेश से जो भी हमारे बहन भाई जुड़े हैं उन सबको मेरा अभिनंदन। डॉक्टर गौतम सागर, कृष्ण कन्हैया जी, गुलशन ढींगरा जी, आप इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी इसमें शिरकत का मौका मिला है। तो चलिए मैं दीपावली पे कविता प्रस्तुत करूंगी। और इससे पहले कि मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूं, क्योंकि कविता हमारे हृदय के भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर साधन है। और महाकवि नीरज ने कहा है, उनकी पंक्तियां मैं कुछ कहूंगी अपनी कविता से पहले, कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं ना छा जाए। जलाओ दिए रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर हो उदासी। कटेगी तभी ये अंधेरी घेरा जब स्वयं धर्म अनुज दीप का रूप डाले। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं प्रस्तुत हुई हैं। और शिप्रा जी आपका गीत मन को भा गया और मेरा गीत भी आपकी ही भावनाओं से कुछ मिलता है। कवियों की भावनाएं तो मिलती हैं। तो मैंने इसमें दीपक का प्रतीक लिया है और संपूर्ण मानव को एक संदेश देने का प्रयत्न किया है कि दीप जो है क्या कर सकता और कैसे दीप चलाए। तो इसमें थोड़ा सा तरन्नुम में प्रस्तुत करूंगी। कविता का शीर्षक है दीप चलाओ। एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम जलाओ, दीप चलाओ, दीप चलाओ, दीप चलाओ, दीप चलाओ घर आंगन में, दीप चलाओ राह डगर में, दीप चलाओ घर आंगन में, दीप चलाओ राह डगर में, दीप चलाओ गांव शहर में, दीप जलाओ सगरे जग में, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम सब जलाओ, एक दीपक
दीप जलाओ हर हृदय में, राग द्वेष का मिटे अंधियारा। दीप जलाओ हर हृदय में, राग द्वेष का मिटे अंधियारा। प्रेम भाव का हो जियारा। तो दीपक क्या करे, शांति दूत बन जाए दीपक, एक दीपक, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। सत्य अहिंसा की हो बाती, आज के विश्व में बहुत जरूरत है। सत्य अहिंसा की हो बाती, प्रेम शांति लो लगा कर, तम सोमम ज्योतिर्गमे हो दीपक। लो लगेगी हर आंगन में, लो लगेगी हर आंगन में, राह डगरी गांव शहर में, सारे जग में, धरती गगन में, और संपूर्ण ब्रह्मांड में। ऐसा ही कुछ दीप जलाओ, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम जलाओ। मैंने संदेश दिया है संपूर्ण मानव को, संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस गीत के माध्यम से। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वर्ण जी, आपने बिल्कुल समा बांध दिया। तरन्नुम में जो आपकी, जो आपके जो गाए हुए गीत होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। आपने दीपावली पर अच्छी बात रखी है।